this. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं आया हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्रगाह पे, यानी कि दरगाह पे, मजार जो कि महरौली पे है, महरौली के अंदर है। और मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ जब भी मेरा मन करता है, जब भी मतलब ख्वाजा जी मेरे को बुलाते हैं आई मीन टू से। और यहाँ पे आके काफ़ी सुकून महसूस होता है। और यहाँ पे आने की एक खास वजह ये भी है क्योंकि मैं जब फर्स्ट या सेकेंड टाइम आया था, मुझे याद है ऊपर से दो पत्थर आए थे, बड़े बड़े पत्थर, पर वो किसी पे लगे नहीं, मेरे ठीक सामने गिरे वो पत्थर, दो पत्थर। पहले एक आया, फिर उसके जस्ट दो मिनट बाद या फिर एक मिनट बाद दूसरा पत्थर आया, वो बड़ी तेज़ी। तो भाई मैं बड़ा हैरान था उस टाइम, और वो यही मेरी आस्था है वहाँ यहाँ आने की बस। और ये वो पत्थर किसने फेंकोगे, मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे पत्थर फेंकेगा यार, कोई इतना मतलब कि कोई भी कितना भी बड़ा बेवकूफ़ क्यों ना हो, वो यहाँ पे पत्थर क्यों फेंकेगा भाई। इतने मोटे मोटे पत्थर थे, रोड़ी होते ना मतलब संगमरमर के भाई, अगर किसी के सर पे लग जाते ना वो पत्थर, तो भाई इसका सर ना एकदम फूट जाता उसका सर। और वो ऐसे पत्थर थे, वो किसी पर नहीं लगे, ठीक मेरे सामने गिरे दो पत्थर। हो सकता है मेरे को कोई संदेश दे रहे हो ख्वाजा जी कि भाई, हो सकता है मेरे से कोई खता रही होगी तभी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी यहाँ पे मान्यता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ। ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारी मजारे पे मैं बहुत कम कहीं जाता हूँ, जाता हूँ वहाँ भी, मैं इतना नहीं जाता जितना मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ और भी छोटी बड़ी कब्रें आए हैं, देखो सब कब्रें हैं, मतलब कह सकते हैं इसको ये पूरा कब्रिस्तान है, ये सारी कब्रें हैं ख्वाजा जी की कब्र, काफी भव्य कब्र है भाई ये मजार। अब कहते हैं इस जगह को, इस स्थान को अलविदा। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ी चादर किसने यहाँ पे चढ़ाई है, चढ़ा चुके एक्चुअली में, थोड़ा सा हाथ उसमें भी हम लगा देते हैं। चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ पे मैं इसलिए आता हूँ यार, मेरे को दिल से ना बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ये पता नहीं किस तरह किस चीज़ का पेड़ है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिलहाल मैं आ ही गया, और चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये है मेन गेट यहाँ का, देखो ताला कैसा है, ये गेट किस तरह मस्जिद है यहाँ पे, यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है इस टाइम, ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये इधर शायद वजू खाना है, ये लोग काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नमाज। और ये बाहर जाने का रास्ता है इधर से, यहाँ भी कब्र है, कितनी पुरानी कब्र है भाई, ये काफ़ी पुरानी कब्र है ये, मतलब पहले कुछ रहा होगा इस जगह। और ये पूरी मस्क है, बाहर आने का रास्ता है वहाँ से, और रास्ता यहाँ से एक वहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से एग्जिट होता है। और ये कुछ अंदर का सीन है, तो और ये है ख्वाजा साहब की देग, मतलब इसमें दान पेटी बोल सकते हैं हिंदी में। यहाँ भी कब्र है बाहर, और ये बाहर का एग्जिट, यहाँ पे कवाली होती है, ये देग है, इसमें लोग चंदा चढ़ाते हैं। ये क्या है, ये ना चस्ट पीछे ना बहादुर शाह जफर जी का महल है, जफर महल,
तो उसका भी इतिहास है, पर वहाँ पे अभी ना एंट्री बंद कर रखी है। तो थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं बाहर से आपको। और ये अभी तो एंट्री बंद है जफर महल के, बट ये जो मस्जिद है ना, ये ना उसी मतलब कि उसी टाइम की मस्जिद है, मतलब कम से कम 200 साल पुरानी तो होगी, 250 साल पुरानी आराम से होगी। और इसकी एंट्री सामने से होती है, वो सामने जो एंट्री ना, मैं यहाँ पे दो बार आया हूँ, पर अंदर ना अकेले आने में थोड़ा अजीब सा लगता है, डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। और ये सामने जो जाली ऐसी देख रहे हैं ना आप मेरे सामने, इसके अंदर ही मतलब इनकी सबकी ग्रेव है, मतलब बहादुर शाह जफर की वाइफ, उनकी उनके बेटे की कब्र है, और उनकी भी अंतिम इच्छा थी कि मेरे को भी यहीं दफना जाए, तो वहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पे उनकी उनकी दफनाने की इच्छा थी, बट उनकी जो ग्रेव है वो म्यांमार में है, यानी कि बर्मा में, और वहाँ पे जगह खाली है अभी, अभी भी खाली है। तो ऐसा तो हो नहीं पाया ना होगा अब, खैर क्योंकि इनके वंश मुग़ल ही नहीं है अब तो। और देखो ऊपर देखो संगमरमर, इनकी देख रेख नहीं होती शायद, ऊपर देखो काफ़ी घास फूस जम चुकी है और काफ़ी खस्ता हालत में है ये। हालांकि नीचे पत्थर बहुत मतलब कि अच्छी क्वालिटी के पत्थर इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, संगमरमर के पत्थर काफ़ी, अगर इसकी देख रेख की जाए तो काफ़ी अच्छी है मस्क है ये। इसके अंदर ही जफर महल है, पूरा जफर महल का हिस्सा है। तो ये सामने राइट साइड में है मजार ख्वाजा जी की, और इसी साइड से ऊपर से पत्थर आया था उस टाइम, ऊपर से आया था, मतलब ऐसे लगा जैसे आसमान से पत्थर आया, इसी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा कर रही है अभी तो, साफ है पर गंदगी होती बहुत है। और यहाँ पे हर तरह की मतलब ये भी मिलते हैं यहाँ पे सामान, इस्लामिक सामान है, यानी क्या क्या इत्र है, अगरबत्ती है, फ़ोटो है, ये पोस्टर वोस्टर लगा रखे हैं, यानी क्या क्या है मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे लोग देखो भिखारी बहुत मिलेंगे यहाँ पे, बोलना नहीं क्या बट मांगने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जो यहीं बैठे रहते हैं पूरे दिन भर। और यहाँ पे प्रसाद में इनको गोश्त दिया जाता है, गोश्त बिरयानी और पता नहीं किस चीज़ की बिरयानी। ये पहले एक कच्चा रास्ता था, अब इसको थोड़ा थोड़ा पक्का कर दिया, संगमरमर लगा दिया यहाँ पे। थोड़ा गंदगी नहीं होनी चाहिए बना ऐसी धार्मिक जगह पे, चाहे कोई हिंदू हिंदी हो चाहे मुसलमान हो, पवित्र जगह पे थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इनको। देखो ऊपर से शेड भी लगा दी उन्होंने, पहले शेड नहीं थी तो ठीक है, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। ये कोई गद्दी नशीन, आई डोंट नो गद्दी नशीन क्या होता है, यहाँ भी कुछ होगा स्थान। और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे जियारत करने के लिए, मतलब क्या बोलते उसको, देखने के लिए, मतलब देखने के लिए नहीं, मतलब पूजा करने के लिए।